अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सरोज राव। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सी मिथ्स हैं जो आपको, आप में से बहुत लोगों को लगता है कि ये चीजें सच हैं, बट वो सच नहीं होती है, वो मिथ्स होती हैं। एज सून एज यू केम टू नो कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तो आपको लगता है कि अब हमने दो लोगों का खाना शुरू कर देना है, या हमने अपनी डाइट को पहले से ज्यादा बढ़ा देना है, या हमने डबल खाना शुरू कर देना है, विच इज नॉट ट्रू। आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप न्यूट्रिशियस डाइट लें, आप बैलेंस्ड डाइट लें, और आप क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर दें। आप अपनी डाइट से जंक को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आपकी फूड की क्वालिटी क्या है। आपने अपने फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, क्वांटिटी को डबल नहीं कर देना। क्योंकि जब आपने बिल्कुल स्टार्ट में कंसीव किया होता है, तब आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती कि आप अपनी डाइट को डबल कर दें। हाँ, आगे चल के फिर आप 300 टू 500 कैलोरीज का इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट में आपको जरूरत नहीं होती कि आप एकदम से बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दें। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो चीज आ जाती है, अवॉइड कंप्लीटली फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि आपको लगता है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अब मैंने बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाना है, मैंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। अगर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की तो आपके बेबी को हार्म होगा, विच इज नॉट ट्रू। आपने कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस या इस तरह से हैवी एक्टिविटीज या जिम, इस तरह से वो चीजें नहीं करनी होती, लेकिन आप हल्की फुल्की कोई फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल मॉडरेट सी, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए कंप्लीटली सेफ भी और इवन के वो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल भी होगी। अच्छा, इसके बाद जो नंबर थर्ड पे आ जाती है वो है ईटिंग स्पाइसी फूड इंड्यूस लेबर। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये मिथ है, बल्कि ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट भी है कि अगर आप स्पाइसी फूड खाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको नेचुरल लेबर पेन्स जो होती है वो आपकी नेचुरली तौर पर आ जाएंगी, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका प्रूफ नहीं है कि अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो आपको नेचुरल पेन्स लग जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नंबर फोर पे आता है कि मॉर्निंग सिकनेस हैपेंस ओनली इन मॉर्निंग, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोजिया या वॉमिटिंग होता है, उसको हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। आप सारा दिन भी नोजियाटिक रह सकते हैं, आपको दिन में या रात में, शाम में, किसी भी टाइम, इवन आपने कुछ खाया है दिन में, हो सकता है आपको मॉर्निंग टाइम पे बिल्कुल भी नौजिया या आपको वॉमिटिंग फील ना हो रही हो, लेकिन वही अगर आपने दोपहर या रात को खाया तो आप बहुत ज्यादा नौजियाटिक फील कर रहे हो, आपको वॉमिटिंग फील होने लग जाए। तो ये जो नौजिया और वॉमिटिंग होती है मॉर्निंग सिकनेस जिसे हम कहते हैं, वो दिन में किसी भी टाइम हो सकती है, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद आ जाती है अवॉइड कैफीन, विच इज नॉट ट्रू। आप कैफीन इंटेक अपना जितना भी चाय कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करें, ये बहुत बेहतर है आपके लिए, लेकिन आप 200 से 300 ग्राम ले सकते हैं, विच इज कंप्लीटली सेफ। ये जो मिथ बनी हुई है कि आपने बिल्कुल चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है, दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन लिमिट आपने इसको जरूर करना है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं चाय और कॉफी के, तो उन लोगों के लिए फिर ये चीज नुकसानदेह बन जाती है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे जो चीज आती है वो है अवॉइडिंग सी फूड कंप्लीटली, दिस इज ट्रू। आपने सी फूड को अवॉइड करना है इन केस ऑफ रॉ और पार्शली कुक्ड, या फिर वो सी फूड जिनका मर्करी लेवल बहुत हाई हो, उनको आपने कंप्लीटली ही अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एज सून एज यू गेट प्रेगनेंट। लेकिन आप वो फिश ले सकते हैं जो कि जिनका मर्करी कॉन्टेंट बहुत ज्यादा हाई ना हो, लाइक सैल्मन, क्योंकि फिश में बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपके आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फिश में पाया जाता है, तो आप वो फिश ले सकते हैं या आप वो सी फूड्स ले सकते हैं जिनका मर्करी कंटेंट हाई ना हो। लेकिन जिनका मर्करी कंटेंट हाई है, जो पार्शली कुक्ड है या फिर जो रॉ फिश है लाइक सुशी वगैरह, उनको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।